दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिसे आप नहाने से आधा घंटा पहले लगा लें। पूरे चेहरे पर, आप अपने हाथ पैरों पर भी इसे लगा सकते हैं। आपके चेहरे के, हाथ पैरों के सारे दाग धब्बे दूर होंगे और आपके स्किन से कालेपन की परत को तेजी से हटाएगी ये रेमेडी। रंग को गोरा करेगी, रंग को निखारेगी और आपका चेहरा, आपके हाथ पैर बिल्कुल ही खूबसूरत हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं चावल का। चावल के बारे में आप सबको पता है दोस्तों कितना फायदेमंद होता है। चाहे हमारे स्किन की बात करें, चाहे हमारे बालों की बात करें, चावल का पानी, राइस वाटर हमारे बालों में शाइन ऐड करता है, बालों को सिल्की, शाइनी और मजबूत बनाता है, बालों को झड़ने से बचाता है। उसी प्रकार से हमारी त्वचा के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे चेहरे और हमारे हाथ पैरों की स्किन के लिए चावल बहुत फ़ायदेमंद है। जैपनीज लोग क्या करते हैं दोस्तों, उनकी सुंदरता का क्या राज है, क्यों उनकी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी गोरी होती है, इतनी बेदाग होती है, चावल का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं सही तरीका बताऊंगी कि चावल का इस्तेमाल आपको अपनी त्वचा के लिए कैसे करना है। और ये जो चावल है दोस्तों, कोई सा भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बासमती चावल लेना है। जो चावल आपके पास है, जो आप लोग खाते हैं, वही राइस आपको लेना है। एक मुट्ठी चावल लेना है, पहले एक बार धो लें। धोने के बाद आप इसमें डबल पानी डाल दें। मैंने करीब करीब डेढ़ गिलास भर कर इसमें पानी डाला है और पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से आप बॉईल कर लें। गैस चालू कर दिया है और चावल को उबलने रख दिया है। ये देखिए जो चावल का माड़ है ना, स्टार्च बन रहा है, आप देख रहे हैं चावल हल्का सा पकना शुरू हुआ है। ये जो चावल का पानी है दोस्तों, ये हमारे बालों के लिए, हमारी त्वचा के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इतना फ़ायदेमंद है दोस्तों, आप बालों पर लगा कर तो देखें, हेयर फॉल से परेशान है तो उसी तरह से आप अपनी त्वचा पर लगा कर देखें। जब चावल का पानी अच्छी तरह से उबल गया है, उसके बाद मैं थोड़ा सा राइस वाटर अलग कर रही हूँ, जिसका इस्तेमाल अभी मैं स्किन में कैसे करना है आगे वीडियो में बताऊंगी। तो ये जो चावल का पानी है, इसमें मैंने थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दिया है ताकि ये आपके चेहरे की डीपली क्लीनिंग कर सके। आपके चेहरे में छुपी हुई गंदगी को, पसीने को, धूल को, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की परेशानी को आसानी से हटा सके। एक कॉटन पैड लिया है, इस कॉटन पैड को मैंने इसमें डिप कर दिया है, चावल का पानी और कच्चा दूध। एक ऐसा क्लींजर है दोस्तों जो कि आपके चेहरे की, आपके हाथ पैरों की गहराई से सफाई करेगा। तो थोड़ा चावल का पानी निकाल लिया उबलने के बाद और चावल अभी पक रहा है, इसे 2-3 मिनट और पका लें, उसके बाद छान लें। आपको चावल को ओवर कुक नहीं करना है। आप देख सकते हैं चावल करीब करीब पक चुका है, पर बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है आपको और कच्चा भी नहीं होना चाहिए। आप चावल की लंबाई को देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि चावल करीब करीब अच्छी तरह से पकना सा आया है। इसके बाद आपको इस पके हुए चावल को ग्राइंडिंग जार में डालना है, थोड़ा ठंडा कर लें, ग्राइंडिंग जार में डाल लें, बढ़िया अच्छा स्मूथ पेस्ट बनाना है। दोस्तों जो होम रेमेडीज़ होती ना 100% वर्क करती हैं। इसमें मैंने 2 चम्मच दूध डाल दिया है और अभी थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी तो हम दूध और भी डालेंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें नारियल का तेल डाला है। बढ़िया अच्छा इसे पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है दोस्तों, ताकि बढ़िया अच्छा स्मूथ पेस्ट बन जाए। चावल क्या करता है, हमारे हाथ पैरों में, हमारे चेहरे में जो टैनिंग हो जाती है, उस टैनिंग को तेज़ी से हटाता है। एक ऐसा एंटी एजिंग मास्क है दोस्तों जो कि आपके चेहरे पर कसाव लाएगा, आपके हाथ पैरों में जो रिंकल्स आ गए हैं, हाथ पैरों की त्वचा जो ढीली सी पड़ गई है उसे टाइट करेगा और साथ ही साथ कालेपन की परत को तेज़ी से हटाएगा। राइस फ्लोर जो होता है दोस्तों, हम लोग चावल के आटे का भी इस्तेमाल करते हैं, परंतु ये जो पका हुआ चावल है ये ज़्यादा फायदेमंद होता है और साथ ही साथ इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। जब चेहरे पर इसे लगाएंगे ना, तो चेहरे पर मुहासे या फोड़े फुंसी यदि होंगे या मुहासे के कारण जो सूजन आ गई होगी उसे भी दूर करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी से भरपूर होता है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो चावल का पेस्ट जिसको मैंने दूध और नारियल का तेल डालकर पिसा है, कोकोनट ऑयल इसलिए डाला है ताकि ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करे, हमारे स्किन में मॉइस्चर बनाकर रखे। 1 चम्मच चावल का पेस्ट लिया है यही, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी शक्कर डाल दिया है ताकि एक स्क्रब की तरह काम करे। शक्कर के जो दाने होते हैं दोस्तों, एक एक्सफोलिएटिंग की तरह काम करते हैं, हमारे स्किन में से डेड सेल को रिमूव करते हैं शक्कर के दाने। ग्लाइकोलिक एसिड होता है शुगर में, हमारे चेहरे पर, स्किन में चमक आती है। तो वो स्क्रब बन गया, एक आपको क्लींजर बना के दिखा दिया है। तीसरा मैं बताऊंगी आपको
फेस पैक बनाना। ये चावल का पेस्ट लिया है, एक बड़ा चम्मच भर कर मैंने इसमें कॉफ़ी का पाउडर डाला है, और चावल का पेस्ट, कॉफ़ी और ये जो स्टार्च हमारा बचा हुआ था, चावल का पानी बचा हुआ था, 4 चम्मच चावल का पानी मैंने इसमें मिला दिया है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा था चावल का पेस्ट, आप इतना गाढ़ा नहीं अप्लाई करें, आपको थोड़ा पतला करके ही अप्लाई करना है। तो आप चावल के पानी को, स्टार्च को, माड़ को बिल्कुल भी ना फेंकें, इसी माड़ का इस्तेमाल मैंने किया। तो आज मैंने आपको ये क्लिंजर बनाकर बताया है, सभी के एप्लीकेशन वीडियो के एंड में बताऊंगी। शक्कर डालकर मैंने स्क्रब बताया है और साथ ही फेस पैक बताया है कॉफ़ी डालकर। चावल, कच्चा दूध, और इससे आपको बहुत अच्छी तरह से अपने चेहरे की सफाई करना, पूरे चेहरे की गर्दन पर लगाएं ताकि चेहरे पर जो भी हमारी गंदगी है वो निकल जाए। इस रेमेडी का इस्तेमाल करने से ब्लैक हेड और वाइट हेड्स की समस्या भी बिल्कुल दूर होगी। प्राकृतिक तरीके से आप अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ पर हम करेंगे स्क्रब। चावल का ये जो पेस्ट लिया जिसे मैंने पीस लिया था, इसमें शक्कर डाला है 1 चम्मच। शक्कर में जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है ना दोस्तों, ये हमारे स्किन में चमक लेकर आता है। शक्कर के जो बारीक बारीक कण होते हैं ये हमारे त्वचा में से डेड सेल को रिमूव करते हैं, मृत कोशिकाओं को बाहर निकालते हैं, जिससे हमारी स्किन अच्छी ग्लोइंग होती है। ये देखिए इस तरह से मेरी बेटी ने स्क्रब कर लिया है, पूरे चेहरे, पूरे गर्दन पर कर लिया है। बाज़ार वाले केमिकल की चीज़ों से जितना हो सके उतना बचकर रहें, लंबे समय तक खूबसूरत बने रहेंगे। तो हल्के हाथों से स्क्रब करना है, कभी भी बहुत ताकत से नहीं करना। स्क्रब करने के बाद चेहरे को पोंछ लिया है, गीले कपड़े से पोंछ लिया है, और सीधे तुरंत ही आपको इस पैक को लगाना है। पूरे चेहरे पर लगाने के बाद आप अपने पूरे हाथों पर लगाएं, आप पूरे पैरों पर लगाएं। जैपनीज़ लोग की स्किन क्यों अच्छी होती थी दोस्तों, इसीलिए होती है। आज भी आप देखिए कोरियन, जैपनीज़, ये जो लेडीज़ होती हैं, इतनी सॉफ्ट, इतनी ग्लोइंग स्किन होती है जिसमें बिल्कुल भी दाग नहीं होता है, लंबे समय तक वे जवान दिखते हैं। इसका कारण है ये सीक्रेट रेमेडी जो आज आपके साथ शेयर की है, बस इसी का इस्तेमाल करते हैं जैपनीज़ कोरियन लोग। आप भी इसका इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इस पैक को आपको लगाना है जिसमें हमने चावल का पेस्ट डाला है, जिसको दूध डालकर पीसा है, नारियल तेल डाला है जिसमें, साथ में डाला है 1 चम्मच कॉफ़ी, और चावल का स्टार्च मैंने मिलाया है। चावल का स्टार्च बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों, आप एक बार इस्तेमाल करेंगे ना आपके हाथ पैर इतने खूबसूरत हो जाएंगे, बिल्कुल बेबी सॉफ्ट के जैसे स्किन हो जाएगी। हाथ पैरों में जो सन की अल्ट्रावायलेट रेस के कारण जो कालापन आ जाता है, जो टैनिंग हो जाती है, उसे तेज़ी से रिमूव करेगी ये रेमेडी। इसके अलावा चावल में एक ब्यूटी विटामिन होता है दोस्तों, विटामिन बी, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे स्किन के लिए, बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। और साथ ही साथ आपके चेहरा, आपके हाथ पैर इतने खूबसूरत होंगे कि आप खुश हो जाएंगे दोस्तों। इसे ज़रूर ट्राई करें, इसे थोड़ा ज़्यादा बनाकर भी रख सकते हैं, सप्ताह में 2 बार आप ज़रूर लगाएं बेस्ट रिजल्ट के लिए। और इसे लगाकर कम से कम 15 से 20 मिनट रखें, उसके बाद आप साफ़ पानी से चेहरा धो सकते हैं, आप नहा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।